जी मैं बनाऊँ हूँ आज आलू की सब्जी। तड़का लगा दिया है, प्याज ये पकने लग रही है, ये मैंने टमाटर काट रखा है और ये है पालक उबाल रखी है या छोटी छोटी कर ली। अब प्याज इसमें डाल दिया, फिर इसके अंदर डाल देंगे मैं टमाटर को। जी टमाटर डाल दिया है, देखो देसी घी में तड़का लगा रखा है। ईब अगर अच्छी सब्जी बनानी है नहीं तो थोड़ी देर इसमें पकन देवे। अगर आप मसाले पकाए देने हल्दी और डाल दूँगी इसमें, नमक डाल दूँगी और बाद में और सब्जी मतलब आलू बाद में डाल ले तो अच्छी सब्जी बना। वो तो जी इसमें हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, पक गया। और यहाँ पर मैं दूसरा तड़का चढ़ा दिया, दो सब्जी बनाऊंगी इसमें बिना लहसुन प्याज दिया आलू आलू की। तो ये अपना पक गई है, इसका अंदर में पालक डाल दूंगी। देखो कितनी प्यारी शक्ल होगी। देखो एक साइड तो आलू की चढ़ा दी, इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, टमाटर डाल लिया क्योंकि टमाटर डाल देने फिर पक देखो ना आलू कच्चे रह जाए। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और इन्हें पका लूँ पहले, और इसके बाद इसमें ये आलू काट रही हूँ ये डाल दूँगी। और जो जी जिस जिसने खानी आलू की सब्जी गरम गरम पतली पतली रोटियां के साथ। आलू डाल दिए हैं, प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया, मसाले डाल दिए। मैं कर दूँ कुकर बंद और इसमें आऊँगी चार सीटी और इसने भी ढक दूँ, फिर बनने के बाद आपने दिखाऊंगी किसी बढ़ेगी, ठीक है जी। और ज़्यादा पानी को डाल दी, ज़्यादा पानी में फिर कुकर बंद करें नहीं, ऊपर सिटी में को पानी आवा है तो बस ये डूबने डूबने चाहिए, इतना पानी डाल लिया करो, मैं ज़्यादा को नहीं खाते पानी वाली। ओके घी डाल लिया, घी देख लो कितना अच्छा है, जवानों प्योर देसी सफ़ेद सफ़ेद है पूरा, अच्छा घी है। तो अब सब्जी बन जाए जी, मैं जब तक आटा बनाए दी फिर रोटी बनावांगे। आ जाओ जिस जिसने खाने सब्जी रोटी मेरे हाथ की। तो जी बस इतना ही आज का ब्लॉग, मैं सब्जी बनानी दिखाऊं थी अपन, मैं किस टाइप का बनाऊं, सबका अलग अपना अपना तरीका हुआ है, तो आप किस तरह बनाओ बताइए मैंने कमेंट में। और आज तो बस यह छोटी सी क्लिप थी, धन्यवाद आपका पूरी क्लिप देखने खातर। तो जी आज का ब्लॉग में बस इतना ही, मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखियो, ठीक है जी, बाय।